कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ एक फ़ोटोज़ और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें क्या है कि माँ बेटे हैं, बच्चा बहुत छोटा है और उसकी माँ जो है वीडियोस बना रही है, अश्लील वीडियोस। तो उसको बहुत लोग टैग कर रहे हैं, एनसीपीसीआर को, पुलिस ऑफ हैंडल्स को, बहुत वायरल हो रहा था ये। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं जहाँ पे छोटे बच्चे, लड़के, लड़कों के साथ अडल्ट औरतें ऐसे अश्लील हरकतें करती हुई दिख रही है। मैंने पर्सनली एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, एनसीपीसीआर को ईमेल भी किया था और उनके ट्विटर हैंडल पे एसएमएस भी किया था, सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ उनको भेजे, प्रोफाइल का लिंक, किस किसने शेयर किया, कौन से ओरिजिनल प्रोफाइल से पहली बार ये अपलोड हुआ था, वो सारे डिटेल्स के साथ मैंने उनको भेजे। ऑलमोस्ट 6 महीने के बराबर हो रहे हैं, उनसे अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो रिसेंटली कुछ बड़े हैंडल्स जो है ट्विटर पे, उन लोगों ने एक दूसरे किसी ऐसे वीडियोस और फोटोज़ मिले किसी दूसरे अकाउंट के इंस्टाग्राम से, उनको शेयर करना शुरू किया। तो वीडियो फोटोज़ जो भी है वो सब वायरल हो गए। होते होते क्या हुआ कि हमारे दिल्ली महिला आयोग तक ये पहुंच गया। तो हमारे दिल्ली महिला आयोग के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने एक नोटिस भेजा पुलिस को कि इस महिला के खिलाफ आप FIR दर्ज करो, क्योंकि एक नाबालिग के साथ, नाबालिग बच्चे के साथ, भले ही वो उसका बेटा हो, उसके साथ ये ऐसे अश्लील वीडियोस बना रही हैं, इनके खिलाफ़ आप FIR दर्ज करो। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो किया उन्होंने बिल्कुल सही किया। हम भी इसी के मांग कर रहे थे कि भाई आप अरेस्ट करो इसको या कोई भी कार्रवाई करो इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे किसी, अगर छोटे बच्चे लड़की के साथ, छोटे लड़की के साथ कोई मर्द कर रहा होता तो उसके खिलाफ तो इंस्टेंटली एक्शन ले लेते, रिपोर्ट करने के साथ साथ ही। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? और ये जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये लोग क्यों नहीं कर रहे? इनको नहीं दिखता क्या ये एक माइनर बच्चा है, इसके साथ ऐसे अश्लील हरकतें कर रहे के ये वीडियो बना रहे हैं, उनको भी नहीं दिखता? तो हमारे महिला आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए दे सेंट अ नोटिस कि इसके खिलाफ आप FIR लॉन्च करो। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनके उनका जो कमेंट था, उन्होंने जो इसके साथ अपना कमेंट दिया, वो सबको सुनना चाहिए। मैं एक बार परख देता हूँ कि उन्होंने अपने ट्वीट पे क्या लिखा। ये महिला अपने ही छोटे बच्चे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो बना रही है, बना के माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रही है। इस उम्र में अगर बच्चे बच्चे को ऐसी गलत सीख मिलेगी तो आगे उसका महिलाओं के प्रति व्यवहार कैसा होगा? महिला पे FIR करने के लिए हमने पुलिस को नोटिस भेजा है। ये हमारे दिल्ली महिला आयोग के चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल का कमेंट है। अब ये तो सबको पता है कि ये इनकी विचारधारा क्या है। इस पूरे वाक्य में एक छोटा सा बच्चा, उसका अपनी माँ जो बोलेगी वो तो करेगा ही ना। इस पूरे हादसे को देखो, इन्होंने कैसे घुमा दिया। कैसे घुमाया कि घुमा फिरा के बात मर्द के ऊपर ही ले आए कि मर्द महिला को कैसे देखेगा अगर ऐसी परवरिश होगी तो। यहाँ पे विक्टिम वो बच्चा है, लेकिन कितनी आसानी से, कितनी सटल वे में उस पूरे नैरेटिव को बदल के इन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। आप खाली इंडिया नहीं, खाली इंडिया नहीं, आप दूसरे पूरे देशों में देखो, जहाँ पे एक माइनर बच्चे का, मेल जो है लड़के का, एक माइनर अंडर एज लड़के का अगर कोई अडल्ट औरत रेप करती है तो कोर्ट उसको ऑर्डर करता है, उस बच्चे को ऑर्डर करता है उस औरत को चाइल्ड सपोर्ट देने के लिए। मतलब रेप विक्टिम को कोर्ट ऑर्डर करती है कि तुम अपने रेपिस्ट को चाइल्ड सपोर्ट दोगे। मतलब कानून के नज़र में वो अंडर एज, वो माइनर जुबिनाइल बच्चा ज़्यादा समझदार है उस एडल्ट औरत से। भारत में भी सेम ऐसा ही होता है। थोड़े दिन पहले एक केस आया था, मुझे अभी वो ठीक से याद नहीं है, जहाँ पे एक शादीशुदा औरत थी जिसका चक्कर चल रहा था 16 साल के एक लड़के के साथ, कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप था। फिर कुछ एक हुआ, कुछ दोनों परिवारों के बीच कोई झमेला हुआ, तो औरत ने कर दिया उस लड़के के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस, या शायद रेप का केस किया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, और पुलिस ने केस ले भी लिया। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि इस देश में खाली मर्द होना ही गुनाह है? कि एक 16 साल की लड़के का आप तो गलती निकाल रहे हो, मगर वो 32 साल के औरत की
कोई गलती नहीं निकाल रहे हो आप, उसको पूरा क्लीन चीट दे रहे हो कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, खाली औरत है इस वजह से उसको क्लीन चीट मिल रहा है कि वो तो अबला ही है, वो क्राइम नहीं कर सकती। तो ये सोसाइटी का नज़रिया है मर्दों के प्रति। तीनों केसेस, एक केस का तो जो मैंने पहले जिक्र किया कि हमने NCPCR को कई सारे मेल राइट एक्टिविस्ट मिलके हम लोगों ने उनको ये भेजा, लेकिन आज तक कोई उस पर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और जब इसके ऊपर अभी के केस के ऊपर हो रही है तो साथ में ये लोग अपना प्रोपागेंडा भी घुसा रहे हैं कि यहाँ पे भी गलती इस लड़के की है कि भरा हो के शायद वो एक कैसा दरिंदा बन जाए। तो अगर दरिंदा बनेगा भी तो भी इसमें किसकी गलती है? इसके माँ की ही है, क्योंकि इसकी माँ ही सिखा रही है। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन ये एक कमेंट करके इसको गुर का पूरा गोबर बना दिया इसने। ये लोग अपने मतलब फेमिनिज्म में इतने अंधे हो चुके हैं कि किसी एक इंसिडेंट को रैशनली अप्रोच कर ही नहीं सकते। ये लोग हर एक इशू पे इनको वो अपना एजेंडा घुसाना है। और इन स्वाति मैडम का कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जहाँ पे ये पुलिस के साथ जाके रेड मारती है, स्पा सेंटर पे, मसाज पार्लर पे जहाँ पे अश्लील काम होते थे, तो वहाँ से जो लोगों को गिरफ्तार करते हैं मैडम, ये तो सुनिश्चित करती है कि जो लड़कियों को वहाँ से गिरफ्तार कर रहे हैं उनका चेहरा ढका हुआ हो, लेकिन ये क्यों नहीं सुनिश्चित करती कि वो जो जहाज से वो लोग मर्द जिनको पकड़ रहे हैं उनको अपना चेहरा ढकने क्यों नहीं देते आप? वहाँ पे क्राइम तो नहीं, मतलब कोई फोर्सफुल एक्ट तो नहीं हो रहा था, पैसे का लेन देन हो रहा है, वो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्राइम है, मैं मानता हूँ क्राइम ही है, लेकिन क्रिमिनल तो दोनों ही है ना। तो एक को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो कि उसका चेहरा ढक के उसको लेके जा रहे हो और दूसरी तरफ उसको अपने अंडरवेयर में ही घसीट के लेके जा रहे हो? तो क्राइम का भी क्या आपके फेमिनिज्म में दो मीनिंग बनता है क्या? गुड क्रिमिनल, बैड क्रिमिनल, जेंडर के बेसिस पे? हमारे लिए नहीं बनता, इनके लिए शायद बनता होगा। हर एक चीज़ पे इनको खाली अपना वही एजेंडा घुसेरना है, नहीं तो दुकान तो चलेगी नहीं अपनी भाई। और फिर बोलेंगे कि इस देश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। सुबह उठ के शुरू करेंगे, रात को सोने तक करेंगे, यही एक ही चीज़ है इनके करने के लिए।